हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 27 दिन कंप्लीट करके आज 28वें दिन एंट्री मार ली है और कल 27वें दिन में फिर से दोबारा एक हिस्ट्री क्रिएट करी गई है जवान के द्वारा। अमेजिंग, क्योंकि देखो सभी कह रहे थे कि 1000 करोड़ कंप्लीट कर लेगी मूवी, इजीली कंप्लीट कर लेगी और कोई संदेह नहीं था इस चीज़ में, लेकिन 1100 करोड़ क्या कंप्लीट कर जाएगी ये एक क्वेश्चन मार्क के रूप में देखा जा रहा था। लेकिन कल 27वें दिन में ये हिस्ट्री इसने क्रिएट कर दी, जवान ने क्रिएट कर दी। शाहरुख खान अपने खाते में 1100 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन लेके आए, नंबर 1 मूवी बनी जिसने 1100 करोड़ में एंट्री मारी है। भाई साहब 1101 करोड़ की कमाई करी है। जी हाँ दोस्तों, तो आज बात करेंगे जवान मूवी अभी तक कितनी कमाई कर चुकी है, कल का दिन कैसा रहा, आज का दिन कैसा रहा और कितनी कमाई ये टोटल कर सकती है। तो वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को एक लाइक करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के भारी भरकम बजट के साथ इस मूवी को जबरदस्त तरीके से कंप्लीट कराया गया है, जिसके मेन लीड में हमारे द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। सपोर्टिंग कास्ट इज अमेजिंग, स्टोरी लाइन इज अमेजिंग। मूवी एच पैन इंडिया रिलीज करा गया है और बाय गॉड एक्शन मसाला के साथ स्टोरी में जो तड़का देखने को मिला है जबरदस्त कॉम्बो है। तो बात करते हैं पहले दिन कितनी कमाई करी, ह्यूज ओपनिंग करी, 130 करोड़ का कलेक्शन पूरी दुनिया से आया। चौथे दिन सिंगल डे में हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस रहा सिर्फ हिंदी से 71 करोड़, और पहला हफ्ता शानदार तरीके से कंप्लीट करते करते नेट इंडियन कलेक्शन 369 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से 660 करोड़ हो चुका था। पहले 10 ही दिन कंप्लीट करते करते मूवी ने 812 करोड़ का मार्वलस एंड ह्यूज आंकड़ा पूरी दुनिया से अपने खाते में रख लिया था और पहले 10 ही दिन में बॉलीवुड की बड़ी से बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड को यहां तक तोड़ दिया था। इवन बजरंगी भाईजान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था और इंडिया में दंगल के कलेक्शन के मामले में उसके भी खदेड़ दिया था और वॉर ब्रह्मास्त्र को भी खदेड़ दिया था। सेकेंड वीक का कलेक्शन रहा था 136 करोड़ का सिर्फ टोटल नेट इंडियन कलेक्शन से, जिसमें सिर्फ हिंदी से 125 करोड़ आया सिर्फ सेकेंड वीक में, और पहले 2 हफ्ता पूरा कंप्लीट करते करते पहले 14 दिन में सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ कमा लिए थे। नेट इंडियन कलेक्शन 520 करोड़ आ चुका था और 922 करोड़ का पूरी दुनिया से ये कलेक्शन कर चुकी थी, और यहाँ तक पठान का रिकॉर्ड और बस बचा था और कुछ ही दिनों में इस रिकॉर्ड को भी खदेड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, 20वां दिन अपना कंप्लीट करते करते आते आते मूवी बिग अमाउंट अपने खाते में लेते हुए सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। नेट इंडियन कलेक्शन 571 करोड़ हो चुका था, पूरी दुनिया से 1022 करोड़ हो चुका था, और यहाँ तक बहुत सी बड़ी बड़ी मूवी के रिकॉर्ड ये तोड़ चुकी थी। और थर्ड वीक में टोटल नेट इंडियन कलेक्शन थर्ड वीक का आया 55 करोड़, जिसमें सिर्फ हिंदी से 52 करोड़ कमाते दिखी थी ये मूवी, और इसी के साथ 21वें 22वें 23वें दिन में भी सॉलिड ग्रोथ करी और 24वें दिन में फिर से बड़ी उछाल मारते हुए सिर्फ हिंदी से 8.27 करोड़, जबकि फुकरे 3 ने इतनी बड़ी कमाई नहीं करी थी। सेम डे जवान ने अपने 24वें दिन में मतलब चौथे सैटरडे में बिग कलेक्शन किया था और पूरी दुनिया से 15 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया था। लेकिन यहाँ पर वैक्सीन वॉर की बहुत ही बुरी धज्जियाँ उड़ा रखी है। तो डे 24 यानी फोर्थ सैटरडे में भी जबरदस्त कमाई करी, उसके बाद डे 25 फोर्थ संडे में भी सॉलिड ग्रोथ करते हुए, सॉलिड कमाई करते हुए सिर्फ हिंदी से 9 करोड़ का कलेक्शन लेकर आई थी ये मूवी और पूरी दुनिया से। हाँ, मैं ये बताऊँगा ना, KGF 2 के जो 25वें दिन का रिकॉर्ड था, जो नंबर 1 पे बैठी थी 6 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन करके, यहाँ पर जवान ने इसे खदेड़ दिया और अब 25वें दिन में सिंगल डे में 9 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन, भारी भरकम कलेक्शन करने में सिर्फ हिंदी से करने के मामले में अब ये नंबर 1 पर आ चुकी है और सेकंड में KGF 2 आ चुकी है। तो पूरी दुनिया से ये मूवी 25वें दिन तक 1082 करोड़ कमा चुकी थी और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 607 करोड़ हो चुका था, और यहाँ तक 600 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी मूवी, जबकि नेट इंडियन कलेक्शन के मामले में कोई भी मूवी नहीं मार पाई है एंट्री और नंबर 1 मूवी बन गई अगेन, जिसने नेट इंडियन कलेक्शन से सिर्फ 600 करोड़ में एंट्री मार ली, और अभी तो ये 650 करोड़ पहुंचेगा आंकड़ा आने वाले कुछ ही दिन में। बात करें डे 26 में कैसी कलेक्शन रही, तो सिर्फ हिंदी से 6.65 करोड़ आया, टोटल नेट कलेक्शन हुआ था 6.85 करोड़, और ग्रॉस से रहा 8 करोड़, ओवरसीज से आए 3 करोड़, और पूरी दुनिया से कलेक्शन 11 करोड़ का आया डे 26 में, यानी अपने फोर्थ मंडे में, और मंडे हॉलीडे था, गांधी जयंती थी, इस वजह से जबरदस्त कमाई करते नजर आई ये मूवी।
भी, और पहले 26 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन 611 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस 726 करोड़ हो चुका था, ओवरसीज से 364 करोड़, और पूरी दुनिया से मूवी 1095 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन कर चुकी थी। मात्र 5 करोड़ कम रह गए थे परसों 26वें दिन में ये मूवी को 1100 करोड़ कंप्लीट करने में, लेकिन कल एंड ऑफ द डे तक ये मुकाम हासिल कर लिया। जी हाँ दोस्तों, कल फोर्थ ट्यूसडे जबरदस्त कमाई करी है। हाँ, फुल वर्किंग डे भी था, साथ में कंपटीशन अलग चल रहा है, फुकरे 3 और वैक्सीन वॉर को काउंट नहीं करेंगे, वैक्सीन वॉर की तो धज्जिया उड़ा रखी है, उसको इतना कलेक्शन मिल ही नहीं पा रहा है, लेकिन हाँ फुकरे 3 यहाँ पर एक सॉलिड कॉम्पिटिटर है, साथ में गदर 2 भी चल रही है और विकी कौशल की मूवी द ग्रेट इंडियन फैमिली भी चल रही है। तो यस, यहाँ से सोच तो खा रहे हैं जवान का, लेकिन मैं फिर बताऊँ बाय वन गेट वन फ्री का जो ब्रह्मास्त्र चल रहा है, इसने धज्जिया उड़ा रखी है। यस, तो यहां से बहुत ही अच्छी कलेक्शन देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो 27वें दिन में सिर्फ हिंदी से 2.5 करोड़ का कलेक्शन आया और ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 2.7 करोड़ हो चुका था, ग्रॉस कलेक्शन 4 करोड़ कमाते दिखी और मूवी, और कल पूरी दुनिया से 6 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया है। बाय गॉड, 27वें दिन में भी 6 करोड़ आना कोई मामूली बात नहीं है, ये ओपनिंग कलेक्शन होती है, इवन सर्कस ने तो इतनी भी कमाई नहीं कर पाई थी जब ओपनिंग ली थी। इवन वैक्सीन वॉर की बात करें तो फर्स्ट डे ही कलेक्शन 1 करोड़ तक नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन 27वें दिन में आते आते जवान ने 6 करोड़ की जबरदस्त कमाई करी है। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 27 दिन में 556 करोड़ हो चुका था, और पहले 27 दिन में नेट इंडियन 613 करोड़, पूरी दुनिया से 1101 करोड़, अगेन ह्यूज कलेक्शन, 1100 करोड़ के क्लब में एंट्री मार चुकी थी मूवी। भाई साहब मजा आ गया कसम से, हिस्ट्री मेकिंग परफॉर्मेंस, और क्योंकि सोच ही नहीं था ना, इतना ज्यादा तो नहीं सोचा था, बस ये सोचा था कि पठान को खदेड़ देगी, 1000 करोड़ कमा लेगी, बट हु नोज कि 1100 करोड़ पहुंच जाएगा, एक अजम्पशन था, एक इमेजिनेशन था, और वो पूरा होते दिख गया कल को। तो यहां से अब ये भी देखकर लग रहा है क्योंकि कॉम्पिटिशन में इतनी कोई सॉलिड मूवी आने वाली नहीं। हाँ, मिशन रानीगंज अगर आ गई तो ये मूवी 1150 करोड़ में ही धराशाही हो जाएगी। अगर मिशन रानीगंज ने लय पकड़ ली, मिशन रानीगंज ने लोगों के दिल में जगह बना ली, तब बात करें आज यानी 28वें दिन यानी फोर्थ वेडनेसडे कैसी ग्रोथ चल रही है। तो आज भी प्रॉपर वर्किंग डे है, आज से कमाई फ्राइडे तक तो स्लो ही देखने को मिलने वाली है, और साथ में न्यू मूवीज जो रिलीज हुई हैं फुकरे 3, वैक्सीन वॉर, ये भी थोड़ा सोच खा रही है, फुकरे 3 ज़्यादा सोच खा रही है, फुकरे 3 अच्छी लय बनाती दिख रही है, स्टार्टिंग स्लो थी लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे कवरअप कर रही है, ऑडियंस अपने खाते में ले रही है। तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी आज है जवान की 8-10% की, और लगभग टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 2.2 करोड़ आते दिख रहा है एंड ऑफ द डे तक, जिसमें सिर्फ हिंदी से 2 करोड़ और पूरी दुनिया से 5 करोड़ की कमाई आज भी करते नज़र आ रही है ये मूवी। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 28 दिन में ये मूवी आज 558 करोड़ कंप्लीट कर लेगी, और नेट इंडियन कलेक्शन वही हो जाएगा आज एंड ऑफ द डे तक 615 करोड़, और पूरी दुनिया से ये मूवी आज 1106 करोड़ के आंकड़े को कंप्लीट करते नज़र आएगी। भाई साहब मज़ा आ जाएगा। तो अभी भी आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 1200 करोड़ कंप्लीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर मिशन रानीगंज मूवी आ जाती है अक्षय कुमार, जिसका कंटेंट रियल इंसिडेंट पर आधारित है, और अक्षय कुमार जब भी कोई ऐसे रियलिटी बेस पर मूवी लाते हैं तो भैया जम के पकड़ते हैं, थिएटर को जम के पकड़ते हैं, लॉन्ग लास्ट तक टिकते हैं। तो यस, यहाँ से थोड़ा कमाई स्लो देखने को मिल जाएगी, लेकिन क्या यहां पर 1150 करोड़ कंप्लीट कर सकती है मूवी? मैं मान के चल रहा हूं इजीली कर सकती है। तो आपका क्या कहना है, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।